हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम एस के गौर। आज हम आपको पढ़ाने वाले सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। तो इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं और एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही रहती है। मतलब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है प्लूरल की, बहुवचन की लगती है। ओके, इसमें दिया है एडमिरल्टी, इसका मतलब होता है नौसेना। कवैली, अश्वरोही सेना, ओके, या घुड़सवार सेना। अगला है जेंट्री, ओके, जेंट्री सब लोगों का समूह। कलर्जी, इसका मतलब होता है पुरोहित वर्ग। इन्फेंट्री, पैदल सेना। नॉबिलिटी, ओके, कुलीन कुलीनता, ओके। पोल्ट्री, मुर्गा मुर्गी या मुर्गा फार्म, ओके। पीजेंट्री, कृषक वर्ग। कैटल, कैटल चौपाया जानवर, चार पैर के जानवर। वर्मिन, खेत का कीड़ा जो फसलों में होता है, ओके। अगला है पब्लिक, पब्लिक जानते हैं जनता, पुलिस जानते हैं। एनाल्स, इतिहास। एसेज, अस्थियां राख, ओके। बिलोज, धौंकनी। फेटर्स, बेड़ियां। पीपल, लोग। प्रोसीड्स, लाभ। रिट्स, अमीरी। थैंक्स, अभिवादन धन्यवाद। आर्म्स, भिक्षा। जींस, जानते जो पहनने वाली, लोवर्स। तो क्या आप सीखे, ये नाउन्स जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, जिसमें एस लगा है उनमें ऐसे ही माना जाएगा, इनमें अलग से आपको कुछ नहीं करना है। ओके, एडमिरल्टी का प्लूरल एडमिरल्टी रहता है, इनको आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, जैसे लिखे वैसे ही ठीक हैं। ओके, ये हमेशा यूज होते हैं प्लूरल में, मतलब इनके साथ हमेशा सहक्रिया आती है प्लूरल की। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जीन्स लिखा है, लोवर्स लिखा है, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं जिनके दो भाग होते हैं, जिनके दो भाग होते हैं, जैसे लोवर्स है, लोवर नहीं बोलोगे, लोवर्स बोलोगे, जीन्स बोलोगे, ब्रीचेस बोलोगे, ओके। ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स बोलोगे, पैंट नहीं, पैंट्स बोलोगे, क्योंकि इनके दो भाग होते हैं। तो जिनके दो भाग होते हैं, और एक होता है स्केल्स मीन्स तराजू, स्केल्स बोलोगे, ओके। चश्मा, स्पेक्टेटल्स, ओके, ओके, तो जिन और बाइनाक्यूलर्स, दूरबीन। तो क्या सीखे, जिनके दो भाग होते हैं उनके साथ आर लगाते हैं, वर लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ओके। और सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, जिनके दो भाग होते हैं, चश्मा है, दूरबीन है, ओके, और क्या नाम, कैंची, सीजर्स है, तो इनमें भी आर लगेगा। आप बोलोगे मेरी कैंची धारदार है, तो बोलोगे माई सीजर्स आर शार्प, भले वो कैंची एक ही हो, ओके। तो प्लूरल के साथ इन सब, ये सारे नाउन्स प्लूरल हैं, इनके साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की। जैसे लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग, जानवर चर रहे हैं, तो कैटल्स गलत है, कैटल बोलोगे, क्योंकि मैंने बोला जैसे हैं वैसे ठीक हैं, कैटल में एस नहीं लगा है, तो इसका मतलब कैटल में एस गलत है। मैंने बोला इनके साथ सैकड़े आती है प्लूरल की, तो प्लूरल की सैकड़े आर तो सही है, लेकिन एस हाँ गलत है, इसलिए ए जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग। अगला है माई जीन इज टाइट, मेरी जीन्स जो है टाइट है, तो जीन नहीं होता, जीन्स होता है, ओके, इज नहीं आर लगेगा, भले जीन्स एक हो। अगला आपका दिया है एडमिरल्टी इज गुड डिपार्टमेंट, नौसेना एक अच्छा विभाग है, तो इज नहीं लगाओगे, एडमिरल्टी इज अ गुड आर अ गुड डिपार्टमेंट, ओके। पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है, गलत, पुलिस आर कमिंग, ओके। इन्फेंट्री इज कमिंग, पैदल सेना आ रही है, गलत, इन्फेंट्री आर कमिंग। तो क्या सीखे, जो कपड़े में लोग पहनते हैं या जो चीज़ जिनके दो भाग हैं उनमें, जो प्लास है या मान लीजिए आपका कैंची है, दूरबीन है, ओके, इनके सबके साथ आर लगाओगे, भले वो एक ही चीज़ हो। आप बोलोगे माई पैंट्स इज कॉस्टली, गलत, आप बोलोगे माई पैंट्स आर कॉस्टली, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।